करवा चौथ तो एक दिन पहला सुनियारे की दुकान के चोरी होने का मामला सामने आया। चोरों के वलों 10 से 12 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने लेके मौके तो फरार हो गए ने। जी हाँ, दस दिए कि दूसरी बार चोरों के वलों इस दुकान को निशाना बनाया गया। दरअसल कहा जा रहा है कि चोरों ने दुकान की तीसरी मंजिल तो एंट्री की, पहला तो दुकान के उपर जो खिड़की बनी थी उसनों तोड़िया, तो फिर अंदर बढ़न तो बाद जो सीसीटीवी लगे से उन्होंने भन तोड़ की गई, तो उस तो बाद दे विच अपनी चोरी की वारदात को अंजाम दिता है। तो दो चोर मुँह ढक के दुकान के अंदर वड़ते हैं, तो जो ग्राहकों की सोने और चांदी के गहनों की रिपेयरिंग के लिए आए हुए थे उसनों लैके मौके तो फरार हो गए हैं। हालांकि दुकानदार का कहना कि चोरों के वलों जो दुकान के अंदर सेफ बनी हुई थी उसनों भी तोड़न की कोशिश की गई, उसके नाल भी पंगे ले गए, पर जो चोरों के कोलों वह नहीं टुटी तो वह मौके तो फरार हो गए हैं। घटना कोल लगे सीसीटीवी भी कैद हुई है। तस्वीर साफ देखा जा सकता है कि दो चोर जो ने वो दुकान के अंदर वड़े हुए ने, ते नाल ही जो चांदी के गहने ने उन्होंने अपने नाल लैके मौके तो फरार हो गए ने। तो नवांशहर तो यह मामला सामने आया है, दूसरी बार चोरों के वलों इस दुकान को निशाना बनाया गया। उत्थे ही जो दुकान का मालिक है उन्होंने कहना है कि वड्डा नुकसान होया है, तो पुलिस मौके के उत्ते पहुंची है, तो मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि यह चोरों के वलों पहली बार इस दुकान को निशाना नहीं बनाया गया, इस तो ठीक कुछ समा पहला भी इसी दुकान को चोरों को निशाना बनाया गया सी, ते चोरों ने इस दे विच वड्डी वारदात की सी, ते हुण दोबारा तो करवा चौथ तो एक दिन पहला फिर तो यह वड्डी वारदात की है, जिसके कारण दुकान मालक का लखा रुपया का नुकसान हो गया। सोने का समान वो तो सेफ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਿਨ ਪਾਇਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਇਲਾਂ 'ਚ ਕੜੂ ਬੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੜੂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਕਸਟਮਰ ਦਾ, ਪਾਇਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ 98,500 ਭਾਅ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ 5-7 ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕੋਕੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਰ 8-10-12 ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲ ਦਾ ਸੇਮ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜੀ। 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਐਨ ਲਪੇਟੇ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗਲਵਜ਼ ਪਾਏ ਆ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਟਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਨੇ ਆਹ ਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗੋਲਡ ਕਟਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵੱਡਾ ਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ, HSO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੂਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਥਲੀਟ ਬੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐ ਪੂਰਾ ਬੜ ਕੇ, ਓਦਾਂ ਬੜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ।